दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। साथ ही इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे आपका आर्मी अग्निवीर दोस्तों आपका एनए को लेकर। तो क्या आपका बात करूँ भाई, ये आर्मी दोस्तों एक अपने आप में इकलौती ब्रांच है भाई जो परमानेंट है। नहीं भाई आपका देखिए सब में दोस्तों आपका 25% ही परमानेंट होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जिन बंदों का सिलेक्शन होगा भाई 100% लोग दोस्तों ये परमानेंट होने वाले हैं भाई। इसमें आपका कोई अग्निवीर जैसा रोल नहीं है। इसलिए देखिए मैं आप इन साथियों से कहना चाहूँगा भाई, देखिए अगर आप परमानेंट जॉब के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा आपके क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक आता है, तो आपका सिलेबस भी अच्छा रहता है। आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, इस एग्ज़ाम को दोस्तों 100% निकालना चाहते हो, तो आप सभी साथियों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप सभी साथी क्या करो कि अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। अगर साथी आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दोगे तो आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या आप लोगों के सामने नहीं आने वाली। जब दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में जाओगे दोस्तों, उस ग्राउंड में जो आपका ग्राउंड, उसमें सबसे आगे आप दिख रहे होगे, नहीं रिटर्न वाले ग्राउंड की बात मैं कर रहा हूँ। और देखो आपके दोस्तों का जो फिजिकल होते हैं भाई, फिजिकल के आपके कोई नंबर आपको अगर आपके ऐड नहीं होते हैं, फिजिकल का दोस्तों आपको जस्ट यानी आपको पास करना है, उसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। सब देखिए बात करें आपका एनए के सिलेबस को लेकर साथी, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते भाई, जो आपका एनए का सिलेबस रहता है आपके दोस्तों मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आपके दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है दोस्तों, अगर बात करूँ अक्सर ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, यहाँ आपका मैथ के खाली 5 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जीके के भाई बात करूँ आपका 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वहीं बात करें भाई आपका बायोलॉजी के भाई आपके 15 क्वेश्चन ही आपके आते हैं दोस्तों। वहीं बात करूँ आपका केमिस्ट्री के भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। और आप देखिएगा फिजिक्स दोस्तों, जहाँ पर आपका थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी भाई आपके 5 ही क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलते हैं। यानी आप भाई यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एक ही बहुत ही बेहतरीन यानी बहुत ही अच्छा दोस्तों, जहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, यानी एक बेहतरीन स्कोर ला सकते हो, अगर आप लोग 6 मंथ दोस्तों अच्छे से अपनी तैयारी को कर लो तो आप एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हो दोस्तों। मैं बता दूं आपको, और बेसिक रूप से अगर आपसे बात करें तो आपका एनए को लेकर बात करें भाई, आपका 9th 10th और दोस्तों थोड़ा सा जो अपर, हल्का सा अपर लेवल की चीज़ें जो बायोलॉजी में होती हैं या फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री में होती है, प्लस जीके और मैथ्स, आपको पता है मैथ्स भी आपका 10th लेवल ही मान लो, और जीके दोस्तों थोड़ा सा अलग से पढ़ना भाई। ये सारी चीज़ आपको 10th लेवल और थोड़ा सा चीज़ों को अगर बात करूँ, कुछ एंजाइम वगैरह को लेकर उसमें बढ़ा के आप चीज़ों को देख लो, उससे पूरा का पूरा पेपर यहीं से आता है दोस्तों। प्लस एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है भाई, अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी जरूर प्रिपेयर करो। एनसीईआरटी से क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इतना मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और देखिए भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे सुबह दोस्तों 10 बजे आपकी क्लासेस मेरे चैनल पर होती है, जहां पर हम लोग बहुत बेहतरीन क्लासेस करते हैं, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और शाम को दोस्तों 7 बजे आपकी क्लासेस होती है, किसी दिन इंग्लिश होता है, किसी दिन मैथ होता है, ठीक है, अल्टरनेट रहता है दोस्तों उसका, उसको भी आप लोग आकर के देख सकते हो दोस्तों, एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, आप सभी सारे चैनल से जरूर जुड़ जाओ, और टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों का लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कर लो, आपको बहुत फायदा होने और आपके एग्जाम तक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।